मिशन शक्ति पर सियासी घमासान। चुनाव आयोग पहुंचा देश के नाम पर पीएम मोदी का संबोधन, जांच के दिए आदेश। अखिलेश यादव ने मोदी के ऐलान को बताया चुनावी स्टंट, मायावती ने कहा मोदी के संबोधन का संज्ञान ले चुनाव आयोग। मिशन शक्ति के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी प्रचार, पीएम मोदी की पहली रैली सुबह 11 बजे मेरठ में, उत्तराखंड के रुद्रपुर और जम्मू के अखनूर में भी जनसभा। मेरठ में पीएम की रैली से सटे स्कूल में परीक्षा के लिए बनाए गए 5 साउंड प्रूफ कमरे, रैली के शोर शराबे से बचने के लिए कवायद। चुनाव लड़ने पर प्रियंका का बयान, कहा अभी तय नहीं लेकिन पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगी। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। खुद मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, क्योंकि बहुत संगठन का बहुत काम है एंड आई प्रेफर टू डू दैट। अमेठी के बाद आज रायबरेली के दौरे पर प्रियंका गांधी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। अमेठी में आधी रात को बूथ कार्यकर्ताओं से मिली प्रियंका गांधी, दिया जीत का मंत्र। प्रियंका ने अमेठी को बताया अपना घर, इशारों में स्मृति ईरानी पर कसा तंज, कहा कुछ लोग सिर्फ 4 दिन के लिए यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 49 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज, कुल 146 उम्मीदवारों ने भरा था पर्चा। रामपुर से एसपी उम्मीदवार आजम खान के हथियार का लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रशासन ने भेजा नोटिस, आजम बोले ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है प्रशासन। संभल में उड़न दस्ते ने एक टैक्सी से तलाशी के दौरान बैंक कहीं 98 लाख रुपया पकड़ लिया, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही छोड़ा गया।